विद्यार्थियों सुप्रभातम। आज संधि का अगला भाग है जो विसर्ग संधि, उसके बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग संधि की मुख्य पहचान क्या होती है? वार्तक पद में क्या मिलेगा? विसर्ग मिलेगा, उसके बाद में कोई स्वर हो या व्यंजन हो, तो वह संधि कौन सी संधि कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। विसर्ग संधि के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। उसमें पहला उसका पार्ट होता है सत्व संधि। सेकंड उत्व संधि। थर्ड रुत्व संधि। और फोर्थ पार्ट होता है इसका लोप। सत्व संधि की क्या पहचान होती है? विसर्ग जो होता है इस विसर्ग को स हो जाएगा। उत्व संधि का होता है कि विसर्ग को उ हो जाएगा और रुत्व संधि में विसर्ग को र हो जाएगा और लोप संधि में क्या होता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। तो संधि के ये चार पार्ट हैं। इसमें विसर्ग संधि का जो पहला भाग है सत्व संधि, सत्व संधि का सूत्र क्या है? विसर्जनीय से है से। विसर्जनीय से क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग को से हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार है तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। जैसे विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद में क्या होगा? खर। खर होगा तो क्या होगा? विसर्ग को स हो जाएगा, स यानी सत्व हो जाएगा। तो खर, खर में क्या आता है? कह से, ते थे, ते थे, पे थे, और से। खाता मतलब हो गया वर्ग का प्रथम अक्षर और द्वितीय अक्षर और से से से। इसको हम आगे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे रामस धन, राम है धन, टीक पे। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, उसमें विसर्ग को क्षय होगा। कौन सा होगा? यदि छह और छह हो तो इस विसर्ग को तालव्य से हो जाएगा। और विसर्ग के बाद में यदि टे ठे हो तो विसर्ग को मूर्धन्य से हो जाएगा। और विसर्ग के बाद में यदि ते और थे हो तो इसको दंते से हो जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद में तालव्य मूर्धन्य
और दंते से हो। तो जो वे यदि तालव्य है तो विसर्ग को तालव्य होगा, मूर्धन्य से है तो विसर्ग को मूर्धन्य से करेंगे, और दंते से है तो विसर्ग को दंते से हो जाएगा। जिस प्रकार से आगे इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे रामायण धन टेकते, रामायण विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है टे आ रहा है तो विसर्ग को क्या हो जाएगा टे, यानी कौन सा से हो जाएगा रामस टेकते। तो कौन सा से हो गया मूर्धन्य से हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं जैसे कैदन चित विसर्ग है, विसर्ग के बाद में चयन रखता है, सिरा रखता है, प्रत्यार आ रहा है और चया है तो क्या हो जाएगा से को विसर्ग को से हो जाएगा कौन सा तालव्य, तो क्या बन जाएगा के विसर्ग को क्या बन गया से, और चित है क्या बन गया कंचित। इसी प्रकार से निधन छल, निधन छल तो क्या गया छर प्रत्यार का अक्षर आ गया छ, तो क्या हो जाएगा विसर्ग को से हो जाएगा निश्चल, क्या बन गया निश्चल। इसी इस प्रकार क्या हो गया सत्व संधि, विसर्ग को क्या हो जाएगा से हो जाता है। अब इससे आगे का पाठ देखते हैं हम, सत्व के बाद में आती है उत्तर संधि, दूसरा भाग है इसका उत्तर संधि। उत्तर संधि का सूत्र क्या है, अतो रो पलुता पलुते, दूसरा भाग है उत्तर संधि। उत्तर संधि का सूत्र क्या हो गया, अतो रो पलुता पलुते, ये क्या कहता है कि यदि प्रथम पद में विसर्ग है और विसर्ग से पहले ह्रस्व ए है और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व ए हो तो विसर्ग को हो जाता है और बाद वाले एको अवग हो जाता है। तो प्रथम पद के अंत में भी ए और उसके बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व आकार है तो विसर्ग को क्या हो जाएगा उ हो जाएगा, जैसे ए के बाद ह्रस्व आकार के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद दूसरे पद के पूर्व में भी ह्रस्व आकार है तो इस ए को क्या हो जाएगा उ हो जाता है और बाद वाले ए को
अवग्रह हो जाता है और इस उको और एमोमीटर को गुण हो जाता है। जिस प्रकार से उदाहरण देखते हैं हम राम है धन है पत्थर विषक से पहले हर्ष प्रकार है और बाद भी हर्ष प्रकार है, तो इसको क्या हो जाएगा वो हो जाएगा और यहाँ क्या हो गया राम धन वो और बाद वाले पत्थर पत्थर गुण शक्ति में बताया था प्रथम पद में ए या आ हो और उसके बाद में उ हो तो गुण क्या हो जाता है ओ, तो वर्णों का मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा रामो पत्थर, क्या बन गया रामो पत्थर। इसी प्रकार से बाग्यधन बालक धन बालक ए है और उसके बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो वो ये विसर्ग को क्या हो जाएगा उ और ए को अवग्र, क्या बन गया बालक और वर्धक। अब ए और ओ मिलकर ओ गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बालको वर्धक, क्या बन गया बालको वर्धक। आगे देखते हैं इसी प्रकार से मौन धन एक्षर वही क्या है विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यहां मोहन और यहां पर एगच्छत, यहां क्या हो जाएगा ए और मिलकर को गुण हो जाएगा मोहन और यहां पर ए को अवग्र हो जाएगा और गच्छत, तो क्या बन गया मोहनो एगच्छत, क्या बन गया मोहनो एगच्छत। उत्व संधि का एक सूत्र तो प्रातो को रोल प्रोता सुनते हैं और इसका अगला सूत्र क्या है हसीचे, हसीचे के बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।